नमस्कार, मैं अनुराधा शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। देखते रहिए मेरे साथ आज की अब तक की खास सुर्खियाँ। भागलपुर नाथनगर प्रखंड नामांकन के अंतिम दिन लोगों ने हर पल के लिए पर्चा दाखिल किया। वहीं रन्नूचक के पंचायत मुखिया प्रत्याशी उम्मीदवार लक्ष्मी देवी ने बताया कि पंचायत की जनता हमको एक मौका दे, हम हर वर्ग के लोगों को विकास से जोड़ने का काम करेंगे और जिस तरह के से पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ है इसको हम आम जनता के सामने उजागर करेंगे और बेनकाब करेंगे। रही विकास की बात तो पंचायत में विकास का आदर्श पंचायत का दर्जा दिलानेंगे, यही मेरी मुद्दा है। तो ये अपने मुद्दा की पंचायत के प्रति, पंचायत चुनाव जी कर लड़ी वालों से अपने अब जो लड़ रहे हैं इसका मेन मुद्दा क्या रहेगा? आगे विकास करेंगे और जिस तरह आगे बढ़ाएंगे गांव को, गरीब लोगों का हक देंगे ईमानदारी से। आप बताइए सर, आपका रोल मॉडल जो है चुनाव के लेके? ईमानदारी के साथ विकास, विकास का जो अधूरा काम है मेरे क्षेत्र में तो विकास ही नहीं हुआ है, उसका जो भी अधूरा काम है उसको पूरा करना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है, गरीब आदमी को दिलाना है। तो जिस तरह से देखा जाए पंचायत में निर्मित मुखिया के द्वारा जिस तरह का करप्शन हुआ है तो इसमें आप क्या करना चाहते हैं? भ्रष्टाचार का तो जांच करवाएंगे, आगे अगर मौका मिला भ्रष्टाचार का जांच करवाएंगे और भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। पहले जो भ्रष्टाचार हो चुका है बड़े पैमाने पे हुआ है वो तो हमको भी जानकारी है, उसको ख़त्म करेंगे, उसका जांच करवाएंगे। यानी आपका रोल मॉडल क्या रहेगा? रोल मॉडल तो रहेगा मेरा विकास। यानी विकास के प्रति आपका जो समर्थन मिल रहा है पंचायत के लोगों के द्वारा? हाँ, वो मेरे पिताजी भी दो टर्म मुखिया रह चुके हैं श्री कृष्णानंद राय, और उनके द्वारा जो विकास का काम किया गया उस विकास का काम किए हुए पे हमको जनता का स्नेह मिल रहा है। बाकी और जो अधूरा है उसको पूरा करेंगे। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम है बंसीलाल भाई। पंचायत अनुचक मकंदपुर।